लेकिन विवेक भी हमारे साथ बने। विवेक, जो नरसिंहानंद है वहां मंडलेश्वर है, और जो बड़े बड़े अखाड़ों के संत हैं वही ऐसे लोगों को महामंडलेश्वर बना देते हैं। हालांकि बीते कुछ समय उस जैसे होड़ मची हुई महामंडलेश्वर बनाने की, वो किसी के भी समझ से परे है कि जो पैमाने सेट किए गए थे शंकराचार्य की तरफ से, उन पैमानों का क्या हुआ। लेकिन क्या लगता है कि ये जो पूरा मामला सामने आया है, इस पर प्रशासन या फिर लखनऊ की स्तर से कोई कार्रवाई हो सकती है, कोई सख्त मैसेज देने की कोशिश की जा सकती है, जहां पूरे देश में तिरंगा लहरा रहे एक व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है। देखिए अवधेश, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस तरह का बयान किसी संत समाज से महामंडलेश्वर के मुंह से मुख से आना, ये बड़ा विवादास्पद है और आश्चर्यचकित करने वाला भी है। और दूसरी बात रही कार्रवाई की बात, तो कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन जो गाजियाबाद है वो भी, उसने यहाँ पर मुख्यालय में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को, लोक भवन के अधिकारियों को, आला अधिकारियों को, गृह विभाग के अधिकारियों को सब जानकारी दे दी है। वो वीडियो जो वायरल हुआ है वो भी उन तक पहुंच गया अधिकारियों तक। और ये कार्रवाई क्या किस तरह होगी, क्या स्वरूप होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, इस पर विचार चल रहा है। क्योंकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वो वायरल वीडियो कब का है, किस दिन का है। बताया जा रहा है कि कल देर शाम ये वीडियो बनाया गया था, लेकिन कहाँ बनाया गया था, कैसे, किन हालातों में बनाया गया था, इस पर अभी बहुत मुतमईन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आई हैं, जाँच हो रही है। गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इसी जाँच कर रहे हैं कि ये किस तरह का वीडियो है। पुलिस की एक टीम जो स्वामी का आश्रम है महामंडलेश्वर का, डासना मंदिर, वहाँ पर भी गए हैं और वहाँ उनसे बातचीत चल रही है कि ये वीडियो किन संदर्भों में जारी किया गया। क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो भगवा झंडा लहराने की बात है और दूसरी तिरंगे का विरोध करने की बात है, और कहा जा रहा है कि तिरंगे ने देश को बर्बाद कर दिया है। ये दोनों चीज़ें, एक जहाँ तक भगवा झंडा लहराने की बात है तो वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि गलत कही हो, सही है, लेकिन भगवा झंडा लहराने और तिरंगे को अपमानित करने, ये दोनों बातें ऐसी हैं जिसको लेकर विरोध हो रहा है। और सोशल मीडिया पे भी कड़ी प्रतिक्रिया, सारे राजनीतिक दल इसके विरोध में हैं। यहाँ पर तमाम चीज़ों को भुला के, जो मतभेद होते हैं, मनभेद होते हैं, उनको भुला कर सब एक सुर में तिरंगे के अपमान की बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये अपमानजनक है और ऐसा नहीं कहना चाहिए था नरसिंहानंद को। और इसके लिए जो कार्रवाई होती है, मांग भी कर रहे हैं कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की जाए, यानी जो मुकदमा दर्ज होता है, FIR दर्ज होती है। और कल ही, माफ कीजिए, दो दिन पहले DGP ऑफिस से एक निर्देश जारी किया गया था कि तिरंगे के अपमान को लेकर अगर कहीं भी कुछ भी कोई ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं तो उसमें कानूनी कार्रवाई की जाए, चाहे जो व्यक्ति हो। जिस तरह से घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, बांटे जा रहे हैं, बहुत स्कूलों में ऐसी स्थिति है कि तिरंगे के गट्ठर पड़े हुए हैं बच्चों को देने के लिए, और बहुत अपमानजनक स्थितियाँ हैं। कुछ ऐसे लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ पर तिरंगे फेंके जा रहे हैं, ज़मीन पर फेंके जा रहे हैं। ये ऐसी स्थितियां लगातार पैदा हो रही हैं, तो पुलिस प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो ऐसी चीज़ों को ढूंढ कर कार्रवाई करने की है। और जहां स्वामी नरसिंहानंद का मामला है, महामंडलेश्वर का मामला है, उस पर कार्रवाई की रूपरेखा तय की जा रही है कि क्या स्वरूप होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मैसेज तो देना ही पड़ेगा कि देश की शान तिरंगा सबसे महत्वपूर्ण है, जो धार्मिक भावनाएं हैं वो अपनी जगह। लेकिन डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, आनंद जी कह रहे हैं कि इस पर तो हम कार्रवाई कर देंगे, लेकिन जो आपके नेताओं ने बयान दिए हैं उस पर आप लोग क्या कहेंगे तिरंगे को लेकर? समाजवादी ने ये नहीं बोला कि तिरंगा नहीं फहराना है, तिरंगा को लेके कि तिरंगा नहीं लगाना, नहीं फहराना कोई बात नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उनको अपने पाप छुपाने होते हैं। अब सवाल ये है कि उनके दफ्तर में तिरंगा झंडा बिक रहा है, समाजवादी लोग तिरंगा झंडा लोगों को निःशुल्क दे रहे हैं घर घर जाके, बस इतना सा फर्क है। कहते ना, फर्क साफ है। एक तरफ BJP को देख लो जो तिरंगा बेच के पैसा कमाना चाहते हैं, एक तरफ समाजवादियों को देख लो, समाजवादी लोग तिरंगा घर घर जा रहे हैं और तिरंगा घर घर लोगों को निःशुल्क दे रहे हैं। अब फर्क तो साफ है। अब इसके भाई कहते साँच को तो आँच नहीं, आपके पास तो हर चीज है, उनके बेचने का भी विजुअल है, यहाँ पे लोग जो समाजवादी लोग लोगों को दे रहे हैं निःशुल्क उसका भी विजुअल है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने को नहीं होता है। ये वो लोग हैं जब ये अपने ही भवन में फंसे रहते हैं, और जब फंसे फंसे परेशान रहते हैं तो इनको अपना राजवाद के लिए प्रूफ करना पड़ता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने तिरंगा बावन है, जिस पार्टी जो इनको बैक करती है, इनको कहते हैं मदरहुड पार्टी है, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगा का हमेशा इन लोगों ने विरोध किया 1948 में, तो ये तिरंगे का मतलब नहीं समझेंगे। तिरंगे का मतलब समझते तो शायद ये सब बातें नहीं कर रहे होते, तिरंगा को आज बेचा नहीं जा रहा होता रुपए में। जहां तक सरकार है भाई, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, आपको तो तिरंगे लोगों को देने चाहिए थे, लोगों के घर घर पहुंचाने चाहिए थे,
वो आपने ये काम नहीं किया। ऊपर से आप सवाल उठाते हैं इसके उसके ऊपर में, भाई सवाल इसी बात का है ना कि आप किसी चीज की आड़ मत लीजिए, आप आड़ लेने की कोशिश मत कीजिए। कभी आर्मी के पीछे छुप जाएंगे, कभी तिरंगे के पीछे छुपेंगे, कभी कोविड के पीछे छुप जाएंगे। अरे आपको छुपने की जरूरत पड़ती है जी। अरे आप अपनी नाकामी को किसी न किसी बहाने से छुपाने की कोशिश करते हैं। आप राष्ट्र की बात तो करते हैं आनंद जी, तिरंगे आप लोग भी तो बांट सकते थे। देखिए तिरंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार बांटे जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अनुराग भदौरिया जी की तरह जो एक्सप्रेसवे पर इन्होंने नौटंकी किया था समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर कि मेरे पास समाजवादी पार्टी का झंडा है इसलिए मुझे लिफ्ट मिल गई। नहीं आप एक्सप्रेसवे कहां पहुंच गए, अब तिरंगे की बात करो, बहुत पुरानी कहानी हो गई वो। भैया गली में आओ, एक्सप्रेसवे पे चढ़ जा रहे हो, एक्सप्रेसवे मत चढ़ो। आपने जो एक्सप्रेसवे बनाया है वो चार दिन में टूट गया है। आओ प्रभु एक्सप्रेसवे पे मत चढ़ना। अरे हमें चिंता रहेगी आपकी अगर आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में चढ़ गए और कहीं धसा गया वो। भाई बारिश से चार दिन के बाद तो बारिश से धस गया था वो, इसलिए आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में मत चढ़ो। आप गलियों में आओ, गलियों में जहाँ आम जनता रहती है, गलियों में तिरंगा लेके जाइए, लोगों को दीजिए, बच्चों को दीजिए। छोटे छोटे बच्चे कितने खुश होते हैं, जरा एक बार जाइए तो सही, सिंहासन से उतरिए तो सही। ये जो सिंहासन पे जो ये सब जो वैभव में बैठे हो उसे उतर के गलियों में जाइए, छोटे छोटे बच्चों की खुशियां देखिए आप। एक तिरंगा देंगे क्या खुशी होती है उनको, जाके खुशी देखिए तो सही, खुशी का आनंद लीजिए। वो आप ले नहीं रहे खुशी का आनंद, आप बुंदेलखंड में चढ़ जा रहे। अरे मेरे भाइयों भैया मत चढ़ना बुंदेलखंड, अभी पता नहीं मजबूत है कि नहीं है, वो तो बारिश में वैसे ही धस रहा है। आप कमाल करते हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।